नमस्कार प्रणाम, मैं हूं नीलेश और आप सबका स्वागत है हम तक न्यूज़ में। जी हाँ दोस्तों, आप अभी देख रहे हैं ये जो मैं उपस्थित हूं सुपौल डिस्ट्रिक्ट के त्रिवेणीगंज प्रखंड अंतर्गत विज्ञान कॉलेज के, ये ग्राउंड जो देख रहे हैं अभी मैं वहीं उपस्थित हूं। इधर दिखाइए, ये जो यहाँ चल रही है देखिए, यहाँ कहा जाता है कि सेना भर्ती यानी कि आर्मी और बिहार पुलिस और का ट्रेनिंग कराया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए यहाँ जो स्टूडेंट लोग हैं उनसे हम मिलते हैं। इस वक्त मैं जा रहा था तो देखा तो मैं सोचा एक वीडियो क्यों ना बना लूँ। आइए एक बार देखते हैं, अभी देखिए गोला फेंक रहे, ज़रा उधर दिखाइए, देखिए वहाँ अभी गोला फेंके हैं, उधर दिखाइए, ज़रा जूम कर उधर दिखाइए। आइए हम मिलते हैं यहाँ पर, आइए थोड़ा आइए थोड़ा सर से मिलते हैं। देखिए वैसे तो सर को कहिए तो सर इधर देखें ना, सर वैसे मानचे पहचान के मोहताज नहीं है, तब वो आप लोग नहीं जानते होंगे सर को, तो आइए हम मिलाते हैं। सर सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दिनेश कुमार यादव। इतना जो आप अभी हम इस वक्त गुजर रहे थे, आपको नज़दीक आइए थोड़ा सा, नज़दीक से बनाइए, इस वक्त गुजर रहे थे आपको, देखिए इतना मेहनत कर रहे हैं और करवा रहे हैं सारे स्टूडेंट से, ये क्या कारण है सर? मेरा जीवन में एक ही चीज़ रहा, तिरंगा का शान हूँ मैं, तिरंगा का जान हूँ मैं, तिरंगे के ऊपर अगर मेरा ज़िंदगी निछोवार नियोछावर हो जाए तो मैं उसके लिए बेफिक्र नहीं, मैं अपने आप को भाग्यशाली युवक समझूंगा और देश का सपूत समझूंगा। मेरा बस एक ही धर्म है, देश के लिए जीना और देश के लिए मरना। वाह क्या वजह, ताली बजे एक बार। और सर यहाँ जो हमने पूछा आपसे कि और ये क्या कारण इतना मेहनत आप कर रहे हैं? अभी हम शॉर्ट फुट का तैयारी कर रहे हैं क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्ट में गेम हुआ था इससे पहले तो बीरपुर में इस बार डिस्ट्रिक्ट मीट रखा गया तो उसमें हमारा लगभग 45 मेडल आया है। हमारे अनुमंडल त्रिवेणीगंज के बच्चे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कांस्य, सारा मेडल मिला के 45 मेडल आया। अभी सारे बच्चे का उसमें से सिलेक्शन जो है स्टेट के लिए हुआ है। हाँ तो स्टेट लेवल के लिए हम लोग जी जान से मेहनत कर रहे हैं। 29, 30 और 31 तीन दिन स्टेट का गेम है पाटलिपुत्रा में, जो कि हम अगले साल भी शॉर्ट फुट बिहार चैम्पियन थे और इस बार भी मैं चाह रहा हूँ कि भारत माँ की ओर से मैं स्टेट में मेडल लगा करके, कोरोना की वजह से हमने नेशनल का खेल नहीं कर पाए थे अगले साल, लेकिन इस बार जो है मौका है, फिर स्टेट में मेडल लगा करके मैं नेशनल के लिए जाना चाहता हूँ। जाना देखिए बात ऐसा होता है कि बहुत के मुंह से आप सुनिएगा या बोलता है कि त्रिवेणीगंज के भूमि पे आर्मी भर्ती यानी कि सेना की तैयारी नहीं कराई जाती। नहीं दोस्तों, सोचना गलत है, सोचना गलत है। यदि उस ढंग का तैयारी नहीं होता, यदि नहीं करवाई जाती तो ऐसा दिन नहीं देखना पड़े जो नहीं। यहाँ से लगभग 250 जॉब एक साल में, 200-250 बिहार पुलिस आर्मी दरोगा सीआरपीएफ ये सब मिला के 250-250 होता है, कहीं कुछ नहीं। एकदम बच्चा आराम से जो है तैयारी करता, रिटर्न का तैयारी करता, रात दिन फिजिकल का तैयारी करता और बच्चा क्वालिफाई होता और बच्चा अपने मंजिल को प्राप्त करता है। अच्छा एक मिनट सर, तो यहाँ जो आप तैयारी करवाते हैं करीब कितने दिनों से? 20 साल हो गया। 20 साल हो गया, 20 साल हो गया। अच्छा सर आपका फी और कितना है? देखिए फी इसमें दो तीन तरह का, जैसे जो अनाथ बच्चा उसके लिए कोई फी नहीं है, जो गरीब का बच्चा 6100 मेरा एडमिशन चार्ज था, पहले तो 50 रुपया था लेकिन इधर मैं एक साल पहले से 6100 किए हैं, तो 6100 किए तो उसमें जैसे ये लड़का जो बंजारन है, इसको दिखाई जरा, हाँ ये बंजारन है जी, इससे कोई चार्ज क्या लेंगे, जो खुद ये मांगता है तो इससे हम क्या चार्ज लेंगे? तो इस तरह का बच्चा उसी एडमिशन चार्ज से लेते हैं, तो इसको जैसे बीरपुर खेलने गए तो इसका किराया खाना पीना सब अपने तरफ से वाहन किए, तो ये होता है कि एडमिशन जो इसके पास पैसा उससे लेते हैं और जो गरीब है उसको थोड़ा उसी पैसा से हेल्प करते हैं। अच्छा बाबा आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ राहुल कुमार। राहुल कुमार, ये जो सर के पास आप आए हैं तो क्या सोच के आए हैं? कुछ मंजिल पाना है हमको भी। कुछ मंजिल पाना है जी, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा सर ये जो आप बोले कि इससे पहले कि आपका स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गया था वहाँ से मेडल लेकर आया, वो सब यहाँ पर उपस्थित हैं क्या? नहीं अभी तो नहीं है, लेकिन उसमें से ये है 5000 मीटर में। आप हैं जी, आपका नाम क्या हुआ? देखिए इससे मेरा नाम सिद्धार्थ कुमार है। सिद्धार्थ कुमार जी, आप जो डिस्ट्रिक्ट लेवल गए थे बीरपुर गए थे जी, तो वहाँ आप कितने किलोमीटर के? 5 किलोमीटर की रेस लगाए थे और जस्ट 1500 मीटर का भी रेस लगाए थे फिर जी। तो पहले वाला दौड़ में क्या? पहले वाला दौड़ में हम पहला स्थान प्राप्त किए थे जो कि 17 मिनट में 5 किलोमीटर कंप्लीट किए थे। कंप्लीट किए थे जी, और गोल्ड मेडलिस्ट, डिस्ट्रिक्ट गोल्ड मेडलिस्ट हम बने थे। चलिए बहुत ही अच्छा है। तो ये 100 मीटर दौड़ में ये टॉप आप भी थे। आपका नाम क्या हुआ? दीनबंधु कुमार। दीनबंधु कुमार जी जी, आप यहाँ पे सर के पास कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं? ये लगभग 1 साल से। 1 साल से आप भी गए थे बीरपुर? हाँ। तो आप कितने 100 मीटर के दौड़ में? हाँ 100 मीटर के। तो उसमें आपका कौन सा स्थान आया? सेकंड स्थान आया। सेकंड स्थान, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। यदि
कहा जाए तो इतना कम फी में और ऐसा फ्री और इस तरह की तैयारी। डिस्कस थ्रो सुपौल से हमारी कृष्णा है। अच्छा डिस्कस थ्रो आप सुपौल से हैं? हाँ जी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा कृष्णा कुमार नाम है। और आप अभी क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हम अभी डिस्कस थ्रो का कर रहे हैं। हम वॉलीबॉल के भी प्लेयर हैं और हम ग्रैपलिंग के भी प्लेयर हैं। डिस्कस में एक बार नेशनल लगा चुके हैं, वॉलीबॉल में भी लगा चुके हैं और ग्रैपलिंग में मेरा नेशनल गोल्ड है। बट अब कोरोना के कारण मेरा प्रैक्टिस छूट गया है, तो इस बार भी खेले हैं और देख कोशिश करेंगे आगे कि नेशनल तक पहुँचे, नेशनल से आगे पहुँचे, इंडिया टीम से खेलें। इंडिया टीम से? हाँ। चलिए बहुत ही अच्छी सोच है। अच्छा सर आप एक बात बताइए, आपके पास या लोकल स्टूडेंट रहता है और या अदर? बिहार के 3800 जिला का बच्चा मेरे पास रहता है। 3800 जिला का रहता है। जो जहानाबाद से लड़की, नवादा से, पटना से, लखीसराय से, बेगूसराय से, उसके बाद आपको क्या कहते हैं छपरा, इधर 12 जिला का तो एनी बडी रहता है। लगभग बिहार का सभी जिले से बच्चे रहता है। हाँ, इधर 12 जिला में ज्यादा बच्चा रहता है, थोड़ा दूर रहते हुए राजधानी पटना से अगर बच्चा मेरे पास आता है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि राजधानी में इतना बड़ा ट्रेनर सब, वहाँ ट्रेनर पर ट्रेनर है, लेकिन फिर भी मेरे पास बच्चा आता है तो मैं ये भाग्यशाली इस कदर मैं समझता हूँ कि मेरे जो गुरुदेव होंगे जरूर मुझे वो हीरा बना है, इसलिए वहाँ से मेरे पास बच्चा आते हैं। चलिए ठीक है। दिल्ली से आनंद दिल्ली से आए थे, अभी दरोगा की तैयारी के लिए वो दिल्ली से आए थे, तो इसलिए उन्होंने कहा दो बार हम दरोगा में फाइल कर गए और इस बार भी उसका जो दिल्ली में जो पैर फ्रैक्चर हो गया था, दौड़ तो निकाल लिया लेकिन हाई जंप में जाके वो क्रॉस हो गया। हाँ, लेकिन उम्मीद है कि अगले बार ऐसा ही बनेगा। चलिए ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है यदि इस तरह की तैयारी करवाई जाती है इतने कम फी में। हाँ जी हाँ दोस्तों, आप लोग देख रहे अभी हम तक न्यूज़ के माध्यम से और बिहारी बाबू हेमराज के माध्यम से। यदि आप लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचता है, और सर को देख लीजिए, सर कोई बताने की बात नहीं है, बहुत पूरा ये वैसे माने डिस्ट्रिक्ट पूरा स्टेट लेवल जो आए हैं वो जिसका मान चले होता है सिलेक्शन होता है, कई बार मेडल लगाए डिस्ट्रिक्ट में 2019, 20, 14, 8 स्टेट चैंपियनशिप हम रहे हैं। एक बार नहीं कई बार मेडल दिए, 3-3 मेडल दिए हैं। नेशनल कोरोना की वजह से आज नहीं हम पहुंच पाए ने, तो आज इंडिया चैंपियन हम शॉर्ट फुट में रहते। जी देखिए, यदि मान चले ऐसा बात है, सर को कौन नहीं जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप देख रहे हैं तो वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए ताकि गरीब के बच्चे, अनाथ के बच्चे और जिसके पास अनाथ उस तरह का जो हो, जिसके पास पैसा नहीं हो, यदि उस तरह का विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, छात्रा हैं, डायरेक्ट भेजे मेरे पास, डायरेक्ट ले आइए, कोई चार्ज नहीं। और आपने बोला सर अभी कि छात्रा लोग भी यहाँ पे हैं। हाँ, छात्रा भी बहुत दूर से अभी रह रही है, छात्रा सब बहुत दूर से रहती है और बहुत ऐसा छात्रा है कि बोल रहे कि सर मेरा रिजल्ट हो गया, मेरे पास पैसा नहीं है जी। तो हम बोले सबको कि ठीक है, आप लोग तैयारी कीजिए, चार्ज नहीं लिया जाएगा, जिस दिन आपको जॉब होगा खुशी से जो दक्षिणा होगा दे देगा। देखिए बहुत ही अच्छी बात है, यदि कहा सर एक मिनट अभी छात्रा और का टाइम नहीं आया, सुबह में सबको करवाते? हाँ, उस सबको सुबह में करवाते, 8 बजे से 10 बजे छात्रा का टाइम है, 5 बजे से 8 बजे तक बॉयज का टाइम है, फिर अभी जो है 12 बजे से अभी तक जी उसमें मेरा टाइम है और बॉयज का भी टाइम है, 12 से 2 बजे तक हम अपना खुद का प्रैक्टिस करते हैं। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो सर ये जो बिहारी बाबू हेमराज और हम तक न्यूज़ के माध्यम से हम लोग यहाँ आए हैं इस चैनल में, सर आपका स्वागत है और इसी तरह बहुत बहुत धन्यवाद हम तक चैनल को और मेरे पास आने तक आपका धन्यवाद देता हूँ। इस तरह से अगर जमीन से सरजमी से लेकर उसे आकाश की ऊँचाई तक अगर उसको प्रचार प्रसार करें तो मैं इसके लिए आप हम तक चैनल का सदा आभारी रहूँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना ही भूलिए। जय हिंद दोस्तों।